पुलिस भर्ती कांड हुआ है, स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर 3 दिन तक चला। इसमें पार्टी के हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला सहित प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इसी दौरान राजीव शुक्ला ने हिमाचल के नेताओं के साथ जयराम सरकार को पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भी घेरा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि पुलिस भर्ती घोटाले में तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की निगरानी में न्यायिक जाँच आयोग गठित हो या मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। आज हमारे सारे हिमाचल के नेता यहाँ चिंतन शिविर में उदयपुर में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को लेकर गहन चर्चा हुई और अगले चुनाव में हमें क्या क्या करना है इसके बारे में व्यापक विचार विमर्श हुआ। हाल ही में जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ उन सबके लिए चिंताजनक है। जिस तरह से 2 लाख बेरोजगारों के साथ युवकों के साथ धोखा हुआ और जो पुलिस भर्ती कांड हुआ है, स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से पूरी तरह से उजागर करके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमारी हिमाचल कांग्रेस की मांग है कि तत्काल प्रभाव से या तो न्यायिक जांच आयोग बिठाया जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, या जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि इस चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है और इस पर लगातार हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो जो वहां पे घोटाले हो रहे हैं उन सबको हम उजागर करें ताकि जनता को मैसेज जाए कि सरकार क्या कर रही है।